Hi students, how are you? Hope you all are good. It's our second video for the 11th class, the remaining part of the chapter, the portrait of a lady. Up to now, what we have read about grandfather's appearance, grandmother's appearance, her comparison with the winter landscape in the mountains, and their morning routine in the village. Hope up to now there is no problem. Let's start the chapter now. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ always went to school with me, यानी कि हमेशा मेरे साथ क्या करती थी, स्कूल जाया करती थी. Because the school was attached to the temple, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से क्या था, attached था, उसके साथ ही था. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. अब जो priest है, priest क्या होता है, पुजारी, जो मंदिर में पूजा करते हैं वो. The priest taught us कि जो priest था वो हमें क्या पढ़ाता था, the alphabet. Alphabet means अक्षर, अक्षर पढ़ाता था, and the morning prayer, और हमें morning prayer सिखाता था. While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. While the children sat in a rows on either side of the veranda, जब बच्चे veranda में दोनों side, veranda में row के अंदर बैठ जाते थे दोनों side, जब बच्चे वरांडा में दोनों साइड ब्रो में बैठकर अल्फ़ाबेट गा रहे होते थे और मॉर्निंग प्रेयर गा रहे होते थे, जो प्रेयर है वो गा रहे होते थे इन अ कोरस. कोरस क्या होता है, ग्रुप में गाना, ग्रुप में गाना. अब वो सारे बच्चे एक साथ बैठकर गाते थे तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, कोरस, यानी कि किसी चीज़ को धुन में गाना और एक साथ गाना, ग्रुप में गाना. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. अब इसी वक्त जब वो बाहर क्या कर रहे होते थे, जब वो मॉर्निंग प्रेयर गा रहे होते थे, अल्फ़ाबेट बोल रहे होते थे, तब उस वक्त दादी क्या कर रही होती थी, दादी क्या करती थी, सेट इनसाइड यानी कि मंदिर के अंदर बैठकर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स क्या होता है, होली बुक्स, होली बुक्स को पढ़ रही होती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों क्या करते थे, वापस आ जाते थे, वापस चल देते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. अब जो सुबह आपने प्रीवियस पैरा में ही पढ़ा था हमने कि भाई दादी सुबह चलती थी तो कुत्तों के लिए रोटियां लेकर चलती थी घर से, है ना. तो अब जब ये वापस स्कूल से घर जाते थे तो दिस टाइम द विलेज डॉग्स, तो जो कुत्ते थे वो कहाँ मिलते थे, वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, यानी कि टेम्पल डोर पे मिलते थे, दरवाजे पर मिलते, खड़े हुए मिलते थे उनको. दे फॉलोड अस टू आर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम. अब वो क्या करते हुए, दे फॉलोड अस टू आर होम, वो हमें घर तक क्या करते थे, फॉलो करते थे, हमारे पीछे पीछे आते थे. ग्राउलिंग मीन्स गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग मीन्स लड़ते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे से, फॉर द चपातीज यानी कि रोटियों के लिए, वी थ्रू टू दैम उन रोटियों के लिए जो कि हम उनको फेंकते थे खाने के लिए, उन पर वो क्या करते थे, गुर्राते हुए, लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे चलते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे parents comfortably, बड़े आराम से वहाँ पर city में जाकर settle हो गए थे. हमने पढ़ा था कि दादी के पास मुझे छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि मेरे जो parents थे वो कहाँ चले गए थे, city में चले गए थे, इसीलिए. अब जब city में जाकर जब वो settle हो जाते हैं तो they sent for us means हमें भी क्या कर लिया, बुला लिया, हमें भी बुलवा लिया. Sent for means बुलवा लिया, बुलवाना. That was a turning point in our friendship. In our friendship means किसकी friendship के बारे में बात कर रहे हैं, means grandmother and grandson, इनके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो narrator है और जो grandmother है उसकी relation, friendship के बारे में बात कर रहे हैं, relationship के बारे में बात कर रहे हैं. That was a turning point. अब ये जो गांव से और शहर में जो ये जा रहे हैं तो ये जो चीज़ है ये उनकी लाइफ का, उनकी फ्रेंडशिप का क्या था, टर्निंग पॉइंट है. मीन्स यहाँ से शायद कुछ बदलने वाला है, देखते हैं क्या बदलता है.
ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम दोनों क्या थे, हम दोनों मीन्स दादी और मैं, हम दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे थे, एक ही रूम में थे हम. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब चेंजेस क्या आ गए थे, अब चेंजेस ये आ गए थे कि दादी अब मेरे साथ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, अब वो मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी. पहले तो वो मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी, मेरे साथ जाती थी, लेकिन अब वो मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी. आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं किस में जाने लगा, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा और एक मोटर बस में, यानी कि बस में बैठकर जाने लगा. पहले मैं अपनी दादी के साथ कहाँ जाता था, दादी के साथ मंदिर में जाता था, वो स्कूल में जाता था जो मंदिर से अटैच था, और वहाँ अब क्या था, अब वो किसी बस में जाता है, किसी इंग्लिश स्कूल में, वहाँ पर तो इंग्लिश चीज़ें सिखाएंगे. देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब ये कंपेरिजन बता रहा है कि भाई पहले जब हम गाँव में जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो हमें वहाँ पर कुत्ते मिलते थे, सुबह हम कुत्तों के लिए खाना लेकर जाते थे, लेकिन अब देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब गलियों में कुत्ते नहीं थे. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आर सिटी हाउस, पर अब वो क्या करने लगी, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, पहले वो कुत्तों को खाना खिलाती थी, तो अब वहाँ पर कुत्ते थे नहीं शहर में, तो अब वो स्पैरोज को, चिड़ियाओं को खाना खिलाने लग गई इन द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड क्या होता है, आंगन, घर का आंगन जो होता है, खुला एरिया जो होता है, ऑफ आर सिटी हाउस, यानी कि जो हमारे शहर का घर था उसमें वो अब कुत्तों की बजाय चिड़ियाओं को खाना खिलाने लगी, फीड करने लगी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर, अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब हम एक दूसरे को क्या करने लगे, कम देखने लगे, यानी कम ही मिल पाते थे हम एक दूसरे से, दादी और मैं. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ टाइम के लिए तो, फॉर सम टाइम यानी कि कुछ टाइम के लिए तो उसने क्या किया था, दादी ने क्या किया, शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, मुझे जगाया. एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया, यानी कि जब हम गांव से शहर में आए तो उसके बाद कुछ दिन तक तो दादी ने मुझे सुबह उठाया और मुझे रेडी किया, यानी कि जो रूटीन गांव में था वही फॉलो किया शहर में. फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तो व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं वापस आता, स्कूल से वापस आता, तो वो मुझसे पूछती व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया था. अब स्कूल से आती तो पूछते ना हम भी बच्चों से कि आज क्या सीख कर आए, आज क्या पढ़ाया मैम ने, तो उसकी दादी भी उससे वही पूछती थी कि भाई आज मैम ने क्या सिखाया, क्या नई चीज़ सीख कर आए हो. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसको क्या बताता, मैं उनको बताता, कोई इंग्लिश वर्ड्स बता देता किसी भी चीज़ के बारे में, जो भी मैं पढ़ के आता था मैं उनको वो बता देता था. एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ चीज़ें जो कि वेस्टर्न साइंस की थी वो बता देता. वेस्टर्न साइंस क्या होता है, जो बेस्ड होती है लॉज पर, है ना, लॉज पर बेस्ड होती है. एंड लर्निंग, और सीखने की चीज़ों पर. अब वहाँ पर तो आपको क्या स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जा, नॉट स्क्रिप्चर्स, प्रेयर सिखाई जा रही थी, अल्फ़ाबेट सिखाए जा रहे थे, बहुत छोटी ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही थी. और यहाँ पर क्या था, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया जाता था, लर्निंग के बारे में बताया जाता था. किसके बारे में, द लॉ ऑफ ग्रेविटी. अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो, कुछ चीज़ें हैं जो कि वो बताता था कि दादी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मेरे को आज ये सिखाया, लॉ ऑफ ग्रेविटी बताया. अब दादी तो नहीं जानती क्या होता है लॉ ऑफ ग्रेविटी. आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया, अब दादी को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में. द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये बताया कि जो संसार है, जो धरती है, वो क्या होती है, घूमती है, उसके बारे में बताया. दिस मेड हर अनहैप्पी, इन बातों ने उसको क्या कर दिया, नाखुश कर दिया, दुखी कर दिया. अब क्योंकि दादी इन चीज़ों के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानती थी, तो इससे वो नाखुश हो गई कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे पोते को स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मुझे मेरे लेसन्स में, मेरी पढ़ाई में क्या नहीं कर सकती थी, हेल्प नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, अब वो उन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी जो दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे थे, उन चीज़ों के ऊपर वो बिलीव नहीं करती थी कि ये बच्चों को सही सिखा रहे हैं.
उसको ऐसा लगता था ये गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो परेशान रहती थी. दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वो इस चीज़ से भी परेशान थी कि भाई स्कूल में तो भगवान के बारे में, पवित्र ग्रंथों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में तो बताया ही नहीं जाता है. तो इसलिए वो परेशान थी कि इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ सिखाई जा रही है वो गलत सिखाई जा रही है. वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने बताया कि भाई हमें तो स्कूल में क्या सिखाया जाता था, म्यूज़िक भी सिखाया जाता था. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान थी. टू हर म्यूज़िक हैड लूड एसोसिएशंस, अब उसके लिए जो लूड मीन्स, लूड क्या है, वल्गर, घटिया, एसोसिएशन मतलब इंस्टीट्यूशन, मतलब एक घटिया संस्था है ये जो गाना बजाना, संगीत सीखना, ये चीज़ क्या है, एक घटिया चीज़ है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स, हार्लेट्स क्या होते हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, एंड बेगर्स, यानी कि ये जो मोनोपोली क्या होता है, अधिकार. तो ये जो संगीत गाना बजाना ये सब चीज़ किन का काम है, या तो हार्लेट्स का है, हार्लेट्स क्या होता है, प्रोस्टिट्यूट है ना, नाचने गाने वाले ये, और या फिर बेगर्स यानी कि भीख मांगने वाले, इन दो लोगों का ही अधिकार है ये तो नाचने गाने की चीज़ों पर. तो यानी कि नाचना गाना बजाना ये सब कौन करते हैं, या तो हार्लेट्स करते हैं यानी कि नाचने गाने वाले करते हैं, या फिर बेगर करते हैं ये काम. एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, यानी कि किसी अच्छे इंसान के लिए, जिसकी कोई सोसाइटी में इमेज है, उसके लिए ये सारे काम अच्छे नहीं समझे जाते हैं, मतलब ये एक तुच्छ काम समझा जाता था. शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. शी सैड नथिंग, उसने कुछ कहा नहीं, बट लेकिन हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी जो चुप्पी थी, जो वो कुछ कह नहीं रही थी, उसका मतलब भी क्या था कि वो उस चीज़ को डिसअप्रूव कर रही है, यानी कि वो उसको अपनी असहमति दे रही है कि नहीं मुझे सही नहीं लग रहा है ये. शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद तो उसने मुझसे बहुत कम, यानी कि बहुत कम बात की, रेयरली बात करती थी. When I went up to university, I was given a room of my own. अब जब मैं स्कूल में था या मैं जब गांव में था तब मैं अपनी दादी माँ के साथ शेयर करता था रूम, लेकिन अब जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे क्या मिल गया, मेरे को मेरा अलग रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, लेकिन अलग रूम मिलने से क्या हुआ कि जो हम दोनों के बीच में, दादी और मेरे बीच में जो कॉमन लिंक था, यानी कि हम एक दूसरे को एटलीस्ट देख तो पाते थे, वो चीज़ भी क्या हो गया, वो भी ख़त्म हो गया. अब हम मिलते देख भी नहीं सकते थे एक दूसरे को, क्योंकि मेरा अलग रूम हो गया, दादी का अलग रूम हो गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, अब जो मेरी दादी है, जो अब ये उसके लिए एक त्याग ही है कि वो मुझे अब देख भी नहीं सकती थी, तो रेजिग्नेशन, उसने ये जो त्याग था उसको एक्सेप्ट किया अपने सेक्लूजन. सेक्लूजन का मतलब क्या होता है, सेक्लूजन का मतलब क्या होता है, जो सॉलिट्री है, यानी कि जो आपका आप अकेलापन है, उसको उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है वो अलग हो रहा है या वो बड़ा हो गया है, अलग रूम मिल गया है उसको, तो ठीक है उसने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो रेयरली ही, मुश्किल से ही अपना जो स्पिनिंग व्हील है उसको छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, अब सुबह से लेकर शाम तक शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, यानी कि अपने जो चरखा था उसके पास ही बैठी रहती थी, उस पर ही काटती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और जो भजन है, जो प्रार्थना है उसको गाती रहती थी, बोलती रहती थी और अपना काम करती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ केवल दोपहर के अंदर, शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल, थोड़ी से समय के लिए वो क्या करती थी, रिलैक्स करती थी. टू फीड द स्पैरोज, यानी कि चिड़ियाओं को खाना खिलाने के लिए, फीड करने के लिए वो थोड़ी देर रिलैक्स करती थी, वरना वो पूरा दिन क्या करती रहती थी, स्पिनिंग, काटती रहती थी.
While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. अब जब वो वरांडे में बैठती और जो ब्रेड है चिड़िया को डालने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती, उस वक्त हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स। उस वक्त जब वो ये काम कर रही होती थी, यानी कि चिड़िया के लिए छोटे छोटे टुकड़े बना रही होती थी, तब सैकड़ों चिड़िया, सॉरी नॉट चिड़िया, बर्ड्स यानी कि पक्षी, सैकड़ों पक्षी आकर क्या करते, कलेक्टेड राउंड यानी कि उसको चारों तरफ से घेर लेते थे। क्रिएटेड अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स। वेरिटेबल मतलब विभिन्न प्रकार की, अलग अलग। बेडलम मीन्स होता है शोर, हंगामा। जो अब वो सारे पक्षी बैठकर जो शोर मचाते थे वो, और बेडलम वो किस चीज़ का, चर्पिंग्स यानी कि ची 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 का। तो ये क्या करते, जब वो उसके चारों तरफ बैठ जाते तो क्या करते, सारे विभिन्न प्रकार का शोर मचाते रहते, अलग अलग आवाज़ आती रहती पक्षियों की। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो आते और उसके पैर पर बैठ जाते। पर्स्ड मीन्स क्या होता है, बैठना, पैर पर बैठ जाते। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उसके कंधों पर बैठ जाते। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो ऐसे भी थे जो कि उसके सर के ऊपर बैठ जाया करते थे। शी स्माइल्ड, वो हंसती। बट नेवर शूट देम अप, लेकिन कभी भी उनको उड़ाती नहीं थी, भगाती नहीं थी। शूट मीन्स भगाना, डराना, उड़ाना, है ना। भगाना वैसे ठीक है कि भाई वो उसको कभी उनको भगाती नहीं थी, हंसती रहती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उसका क्या हुआ करता था, सबसे अच्छा, सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था पूरे दिन का। When I decided टू गो abroad फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाऊँगा, बाहर जाऊँगा, बाहर रहकर पढ़ूँगा। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पक्का पता था कि मेरी जो दादी है वो क्या हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी, थोड़ी उदास हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं कितने टाइम के लिए जा रहा था, 5 साल के लिए। अब हमको कितने साल के लिए अलग होना था, 5 साल के लिए। एंड हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस एज में, जिस एज में वो थी, उस एज में कोई कुछ नहीं कह सकता था। मीन्स वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकती थी, और इस एज में कोई भी अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकता था। अब क्योंकि आपको पता है कि वो बड़ा हो चुका है ना, लेकिन 20 साल से वो ऐसे ही अपनी दादी को देख रहा है, और दादी हो सकता है कभी भी दादी के साथ कुछ भी हो जाए, तो वो उस चीज़ को कह रहा है कि दादी को भाई कोई भी उस एज में कुछ नहीं बता सकता था कि वो नाराज़ है या वो उदास है, या वो उस चीज़ को डिसअप्रूव कर रही है कि मना कर रही है मत जाओ, बाहर मत जाओ, या कुछ भी। तो इससे रिलेटेड वो कुछ नहीं कह रही थी, ऐसी उम्र के लोग कुछ नहीं कहते हैं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बोल सकती थी, कह सकती थी, शो कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक, इमोशनल, कि वो इमोशनल नहीं थी कि भाई वो रोने लग गई मैं गया तो, नहीं, वो सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बोली नहीं, बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, और ना ही कोई इमोशन दिखाया कि भाई वो उदास हो रही है, या फिर उसका मन नहीं कर रहा है, या वो रोने वाली है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया, इमोशन नहीं दिखाया उसने वहाँ पर। ना उससे बात की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो होठ थे वो लगातार क्या हो रहे थे, प्रेयर में मूव हो रहे थे। वो बताते नहीं, इनऑडिबल वॉइस, इनऑडिबल प्रेयर, तो वो बस हिला रही थी अपने होठों को। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो दिमाग था वो क्या था, प्रेयर में लॉस्ट हो चुका था, बस उसको वो प्रेयर ही याद थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अब जो उसकी फिंगर्स थी वो किस में बिजी थी, उस वो जो माला मैंने आपको दिखाई थी, बताई थी, उसको उसको बोलने में, उसको घुमाने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, एंड व्हेन आई लेफ्ट आई cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Silently she kissed. अब उसने चुपचाप क्या किया? किस किया? My forehead, मेरे माथे को.
एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से निकला या चला वहाँ से, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस. जो उसने मेरे माथे पर जब दादी ने किस किया, तो मैंने वो किस, उसका जो मॉइस्ट यानी कि नमी थी, जो इम्प्रिंट, इम्प्रिंट मीन्स जो उसके छूने का जो एहसास था, वो चीज़ मैंने क्या कर ली, संभाल के रख ली. एज़ परहैप्स मतलब यानी कि शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, कि शायद वो जो कॉन्टेक्ट है हम दोनों का, दादी का और मेरा, वो शायद लास्ट कॉन्टेक्ट है हमारा, इसलिए मैंने उसको संभाल के रखा, यानी कि मैंने उसको फील किया. बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद जब मैं घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मुझे वह दादी कहाँ मिली, स्टेशन पर मिली, मीन्स मुझे लेने के लिए आई थी दादी. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बड़ी नहीं लग रही थी, वो एज इट इज़ लग रही थी जैसी मैं उसको 5 साल पहले छोड़ कर आया था. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी उसके पास क्या नहीं था, टाइम नहीं था शब्दों के लिए. एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उसको सुन सकता था, उसकी जो प्रेयर थी, जो दादी की प्रेयर थी, जो वो बोल रही थी, मैं उसकी प्रेयर को सुन सकता था. क्यों? क्योंकि उनका जो फेस है, जो उनके लिप्स हैं, वो जो नैरेटर है उसके कान के पास होंगे ना, तो उसके वो धीरे धीरे जो बोल रही थी वो उसके कानों में पड़ रहा था, तो वो उसको सुन रहा था. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि जब मैं पहले दिन, जब मैं 5 साल के बाद जब मैं आया, उस दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, वो उस दिन भी वो उसका जो सबसे अच्छा पल था, जो कि खुशी का पल था, वो स्पैरोज के साथ ही था. हैप्पीएस्ट टाइम वो वही उसी को मान रही थी कि तभी खुश थी वो सबसे ज़्यादा. मुझसे मिलने पर इतनी खुश नहीं हुई जितनी कि वो उन चिड़िया के साथ खुश थी. उस दिन भी जब मैं 5 साल के बाद आया, तब भी होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रीवलस रिबक्स, यानी कि अब वो आज क्या कर रही थी, आज भी वो उनके साथ बैठकर फेड लॉन्गर, यानी कि काफ़ी टाइम तक उनको खाना खिलाया. एंड विद फ्रीवलस, फ्रीवलस क्या होता है, फ्रीवलस मतलब क्या होता है, झूठा, रिबक्स यानी कि झूठे, ऐसे ऐसे जो प्यार में लाड में भरकर उसको डांट रही है चिड़िया को, कि कुछ भी कह रही है उनको, तो प्यार से वो उनको डांट रही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द रिमेनिंग पार्ट. टिल देन कीप लर्निंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय.